हेलो एवरीबॉडी। कल रात को जब मैं फिजिक्स की न्यू एनसीईआरटी देख रहा था तो मैंने एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नोटिस की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है दैट इज़ फ्रॉम नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी देखोगे नई वाली तो उसमें एरर खत्म कर दिया है, मतलब उसमें एरर है ही नहीं। और आपको पता है कि एरर से क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप एनएमसी का वो ऑफिशियल पीडीएफ देखोगे तो उसमें एरर है, यानी कि आपके सिलेबस में एरर एनालिसिस है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में वो नहीं है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स की न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जेनर डायोड, फोटोवोल्टेइक डायोड ये सब नहीं है, ये टॉपिक्स ही नहीं है। लेकिन जब आप एनएमसी का पीडीएफ देखोगे तो आपको उसमें ये दिखेंगे कि जेनर डायोड, फोटोवोल्टेइक डायोड ऑफिशियली सिलेबस में है और इससे नीट 2023 में क्वेश्चन आया हो, इससे हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि इसके साथ अगर मैं और बात करूं, जैसे वेंचुरी मीटर होता है, सो वेंचुरी मीटर एनसीईआरटी से गायब कर दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी से। लेकिन वो ऑफिशियली जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है, सो वो ऑफिशियली एनएमसी के सिलेबस में है। कुछ समझे दया? इसका मतलब जो नई एनसीईआरटी है और जो एनएमसी का सिलेबस है उसमें एक मेजर मिसमैच है। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या फॉलो करना है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है और एनएमसी का वो पीडीएफ लेना है, उसको फॉलो करना है। कोई भी नई एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा ऐसे फेमस फेमस टॉपिक्स हैं वो छोड़ दोगे, उससे क्वेश्चन जब नीट में आएगा तो आपको सरप्राइज होगा कि मैंने तो नई एनसीईआरटी फॉलो की थी, मुझे लगा था नई एनसीईआरटी ही सिलेबस है। ऐसा नहीं है, न्यू एनसीईआरटी इज़ नॉट द सिलेबस। सो लिसन दिस वेरी केयरफुली, इसको शेयर करना है एंड इसको समझने की कोशिश करनी कि आप क्या करना है। ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है, फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे बायो की है। साथ में उस पीडीएफ को चेक करते रहना है कि उस पीडीएफ में क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। सो आई होप सो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी। ओके।